हेलो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मंडी बा न्यूज है। दोस्तों आज इस वीडियो में नर्मदा तेजी मंडी के बारे में जानेंगे। पूरी जानकारी जानने के लिए हमारे इस वीडियो को अंत तक देखते रहे। इसी तरह हर रोज नर्मदा कपास का ताजा बाजार जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और प्यारा सा लाइक जरूर करें। दोस्तों नर्मदा कपास में तेजी इस दिन तक होगा नर्मदा 16,000 पार। दोस्तों किसान साथियों काफी दिनों से बाजार का रुख तेजी की तरफ बढ़ रहा हुआ है। नर्मदा 11,000 तक अपना स्तर दिखा चुका है। पिछले 5-7 दिनों में व्यापारियों की खरीद रुकने से बाजार में गिरावट आई है। वापिस 2 से 3 दिन तक जैसे जैसे भारतीय घरेलू बाजार का हाल सामान्य होने लगा है, नरमे में फिर से तेजी बनने शुरू हो गई है। दोस्तों अब दोबारा से नरमा 11,000 पार हो चुका है। दोस्तों मंडियों में 1,00,000 दैनिक आवक हो रही है, जो कि पिछले साल की दैनिक आवक से आधी रह गई है। और जानकारों का कहना कि यह आवक कॉटन इतिहास में सबसे कम आवक है। पिछले साल फरवरी में दैनिक आवक लगभग 2,00,000 गांठे थी। अगर बात करें अंतरराष्ट्रीय बाजार की तो वहां भी नर्मदा कपास में तेजी का माहौल थोड़ा थोड़ा बना हुआ है। जिंसर और स्पिनस की मांग बढ़ने से बाजार में अभी और तेजी बनने की संभावना जताई जा रही है। उत्पादन की कमी के कारण नर्मदा कपास में अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। किसान साथी नर्मदा फायदा बाजार 37,000 से 38,000 के बीच चल रहा है, जो 40,000 होने की संभावना है, जिसके चलते नर्मदा कपास में अच्छी डिमांड देखने को मिल सकती है। घरेलू बाजार में तेजी का रुख बना हुआ है। किसान साथियों अगर आप रिस्क लेना चाहते तो कुछ दिन और इंतजार कर सकते हैं, अन्यथा यह भाव कम नहीं है। दोस्तों अब जल्द ही कपास नर्मदा का ताज़ा भाव 16,000 होने वाला है। दोस्तों ये थी बड़ी अपडेट।